25 तक सॉल्यूशन हो चुका था, आप 26 से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल समीकरण क्या है? तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 4.445 mFn, FnP या NS। एनपी कहने का मतलब है कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स या सेकेंडरी होगा, एनएस यानी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स। तो इन दोनों से भी ईएमएफ जो है उसका, ट्रांसफार्मर की ईएमएफ को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ट्रांसफार्मर का वाट मीटर खुले परिपथ टेस्ट पर 900 वाट है तथा फुल लोड धारा पर लघु परिपथ टेस्ट पर 1600 वाट है, तो हाफ फुल लोड पर आयरन लॉस क्या होगा? यहाँ पे ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट में बता रहा है कि ये 900 है, तो ओपन सर्किट टेस्ट में आयरन लॉस होता है, और फुल लोड धारा पर लघु परिपथ टेस्ट यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो रहा है, उससे मेजर करते हैं कॉपर लॉस को, तो कॉपर लॉस 1600 वाट है। अब हाफ फुल लोड पर आयरन लॉस क्या होगा? तो आयरन लॉस जो होता है, नो लोड टू फुल लोड, ये कांस्टेंट रहता है, सेम ही होता है। तो जैसा कि है कि वाट मीटर पे ये दर्शाया है, ओपन सर्किट टेस्ट में 900 वाट है, हाफ लोड पे भी आयरन लॉस सेम वही होगा यानी 900 वाट। नेक्स्ट सवाल है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सामान्यतः होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता जी से 98%, ये सबसे अधिक होती है जितने भी सारे मोटर्स होते हैं उनकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होती है, जिस वजह से मेंटेनेंस जो होती है वो बहुत कम होती है, जिस वजह से इसकी एफिशिएंसी जो होता है वो 90 से 98% होती है। नेक्स्ट सवाल है, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कंजर्वेटर होता है, तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर जो होता है वो मैन टैंक जो होता है उसके ऊपर एक बेलनाकार धात्विक ड्रम होता है जिसमें तेल ही होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है उसमें तेल भरा हुआ रहता है, और वाइंडिंग और कोर को वो शीतलक के रूप में वो शीतलता प्रदान करता है, और साथ ही ये वाइंडिंग तेल में डूबी हुई रहती है। लेकिन जब तेल गर्म होता है तो ये थोड़ा फैलता है, इसका आयतन बढ़ता है, लेकिन जब ये ठंड होता है तो ये सिकुड़ता है, थोड़ा नीचे की ओर आता है। तो इस स्थिति में कंजर्वेटर में जो तेल होता है वो उसकी आपूर्ति भी करता है साथ ही साथ, और क्योंकि वाइंडिंग जो है पूरी तरह से तेल में डूबा हुआ होना चाहिए तो इसकी आपूर्ति भी वो कंजर्वेटर करता है। नेक्स्ट सवाल है, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, तो धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जैसे प्रवाह, इलेक्ट्रॉन मूव करती है, प्रवाह करती है, तो समझ लेते हैं कि ये विद्युत का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। नेक्स्ट सवाल है, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है, इस सिद्धांत के अनुसार धारा जो होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, इसके जस्ट विपरीत जो इलेक्ट्रॉन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आती है। बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कंट्रोलिंग डिवाइस कौन सा है? कंट्रोलिंग जो स्विचेस होते हैं वो सारे कंट्रोलिंग डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। स्विच जो होती है वो सर्किट को ब्रेक करती है, या तो जोड़ती है, ऑन या ऑफ करती है। इस तरह से जो डिवाइसेस होते हैं, या कंट्रोलिंग स्विच जो है, ये जो भी लोड लगा है उसको कंट्रोल करती है ऑन या ऑफ करके, तो इस प्रकार हम इसको कंट्रोलिंग डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से लैम्बर्ट नियम का व्यतिक्रम वर्ग नियम का संयुक्त समीकरण है, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, ये दोनों का संयुक्त समीकरण है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू कॉस फाई, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो समीकरण है यानी फॉर्मूला सूत्र, वो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रदीपन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई अपॉन डी का स्क्वायर है, लेकिन लैम्बर्ट कोसाइन में ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू कॉस फाई। तो ये जो फॉर्मूला है दोनों का संयुक्त समीकरण है, यानी ये जो फॉर्मूला है ये लैम्बर्ट कोसाइन का, अगर कॉस फाई को हटा देते हैं तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का
समीकरण हो जाएगा, यानी दोनों का कंबाइन है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है, यानी मेंटेनेंस की जरूरत ऐसा है कि इसमें करनी है मेंटेनेंस मुक्त, यानी अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है, तो वो होती है सीसाम यानी लेड एसिड बैटरी। इसमें समय समय पर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, यानी पूरी तरह से अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। व्यावसायिक सुरक्षा यानी इसके अंतर्गत आते हैं वर्कशॉप में कार्यस्थल पर कार्य करते हुए मशीन की सुरक्षा, खुद की स्वयं की सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा, ये सारे व्यावसायिक सुरक्षा है, लेकिन सड़क सुरक्षा जो है वो व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में प्रयोग तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होना चाहिए। प्रकाश यानी लाइटनिंग और फैन के लिए जो सब सर्किट होते हैं उसमें जो कंडक्टर उपयोग किया जाता है तांबे का, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 1 mm square, इतना जो है होना चाहिए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट सवाल है, पावर फैक्टर मीटर से क्या मापा जाता है। तो पावर फैक्टर मीटर से पावर फैक्टर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2πfL, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी बढ़ेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पूछता कि किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि XC बराबर 1/2πfC। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान घटता है। नेक्स्ट सवाल है, बैटरी के ताप में वृद्धि से अपघटक का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। अगर बैटरी का तापमान बढ़ रहा है तो उसमें अपघटक का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो घटने लगता है। नेक्स्ट सवाल है, बैटरी को फिट करते समय सही देखना चाहिए। अगर बैटरी की फिटिंग करते समय पोलैरिटी को देखना चाहिए, पोलैरिटी सही से होना चाहिए। अगर पोलैरिटी जो है वो गलत हो गया तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, या तो लोड लगाते समय या तो उसको चार्ज करते समय शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए पोलैरिटी जो है वो बिल्कुल सही से देखना चाहिए, चाहे वो लोड पे लगा रहे हैं चाहे वो चार्ज पे। और चार्ज पे लगा रहे तो ये तो बिल्कुल देखना चाहिए कि पॉजिटिव वाले के पॉजिटिव के साथ लगा हो और नेगेटिव का नेगेटिव के साथ लगा हो। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध होता है। तो जल में भीगी हुई त्वचा यानी मानव शरीर जो होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी 1000 ohm होता है। इस स्थिति में कोई भी जो वैद्युतिक उपकरण या फिर कोई भी वायर जिसमें इंसुलेशन डैमेज है उसको नहीं छूना चाहिए, उस स्थिति में शॉक लग सकता है। नेक्स्ट सवाल है, वैद्युतिक कार्यशाला में अग्नि शमन हेतु क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, किसी कारणवश अगर वहाँ पे आग लग गई तो उस आग से निपटने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, तो इसके लिए पहले से ही प्रबंध कर लेना चाहिए। तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए वर्कशॉप में। फायर एक्सटिंग्विशर के साथ साथ रेत भरी बाल्टियाँ भी होनी चाहिए, इसके साथ साथ जल की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जल की टैंक जहाँ पे जिस प्रकार की आग लगी हो वो, चाहे वो आग की मात्रा छोटी हो या बड़ी हो, उसके अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल करके आग को बुझा जा सके। नेक्स्ट सवाल है, वाटर हीटर के बाहरी आवरण और अंत टैंक के बीच के स्थान को ग्लास वूल से क्यों भरना आवश्यक है। तो ग्लास वूल जो होती है एक प्रकार का थर्मल इंसुलेशन मटेरियल है। गीजर या वाटर हीटर जिसको गीजर कहते हैं, इसके अंतर टैंक और बाहरी टैंक इनके बीच ये ग्लास वूल को भरा जाता है, ताकि अंदर जो अंतर टैंक में जो गर्म पानी है उसके टेम्परेचर का कोई हास ना हो, यानी टेम्परेचर को ये बनाए रखता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं गर्म जल के ऊष्मा हस को रोकने के लिए ग्लास वूल इसको इसमें इसके अंदर भरा जाता है, यानी अंत टैंक और बाहरी टैंक के बीच में। नेक्स्ट सवाल है, वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है। जनरली लूपिंग विधि जो होती है घरेलू वायरिंग में किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट सवाल है, शुद्ध इंडक्टिव की शक्ति खपत होती है, यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट जो होती है उसकी पावर कंज्यूम्पशन क्या होती है? तो शुद्ध इंडक्टिव में करंट जो होती है लैग करती है 90 डिग्री वोल्टेज से। तो इस प्रकार से अगर हम इसके फॉर्मूला बेस पे इसको पुट करेंगे, यानी कॉस 90 डिग्री यानी जीरो हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री जीरो यानी पावर कंज्यूम्पशन भी जीरो। इस तरह से शुद्ध इंडक्टिव की शक्ति खपत जो होती है वो जीरो होती है। नेक्स्ट सवाल, श्रेणी आरएल परिपथ में वोल्टता धारा से आगे चलती है, सीरीज आरएल है, इस सर्किट में वोल्टेज जो होगा वो लीड करेगी और करंट जो होगा वो लैग करेगी। इस तरह से इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, या यहाँ ऑप्शन दिया है राहुल ने 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, नहीं ये गलत आंसर है, राइट आंसर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगा। नेक्स्ट सवाल है, स्कॉट संयोजन स्थानांतरण हेतु प्रयोग किया जाता है, स्कॉट कनेक्शन जो होती है वो थ्री फेज सप्लाई को टू फेज सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है, यानी थ्री फेज आपूर्ति को टू फेज आपूर्ति में, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रक स्विच लगाना चाहिए, गीजर जो होता है कंट्रोल स्विच जो होती है वो हमेशा स्नानघर यानी स्नानघर घर जो होती है कक्ष जो होती है उसके बाहर ही लगाना चाहिए, अंदर नहीं लगाना चाहिए, ये सेफ्टी के तौर पर ये जरूरी है। और साथ ही जब भी गीजर का उपयोग करें तो सबसे पहले गीजर को ऑन कर ले, फिर जब पानी गर्म हो जाए उसके बाद स्विच ऑफ करके उसका जो उपयोग करना है आप कर सकते हैं। ऐसा करने से सुरक्षा जो है वो बरकरार रहेगी, कोई दुर्घटना होने के कोई चांस नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है, हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है, हीटर जो होती है वो लोड के रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भार पर निर्भर करता है और इसी पर ये कार्य करता है। ठीक है, ये थी टोटल 50 क्वेश्चन आज के सॉल्यूशन क्लास का। अब इसमें कोई डाउट? नो मैम। ओके, धन्यवाद, लगातार आप लोग तैयारी करते जाइए। यस मैम। ओके।